स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का पार्ट टू एक्सप्लेन करूंगा। यह क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है और इसमें आप थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में जानेंगे। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वे 15 साल के थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी जिससे उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ा। अफेक्ट का अर्थ होता है बुरा प्रभाव डालना, एक्सीडेंट का अर्थ है दुर्घटना। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वे अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, the train turned round a corner, ट्रेन एक कोने से घूमी, there was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor. वहां पे एक अचानक ही झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया। जोल्ट का अर्थ है झटका। ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर, और ये जो फास्फोरस का टुकड़ा था उनके सामान पर गिरा और आग पकड़ लिया। फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए फास्फोरस जैसे ही गिरा कैरेज पर वहां पर आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसके पहले कि वे इस आग को बुझा पाते, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, जो अखबार थे उस समय भी आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई तो एडिसन ने सहायता के लिए चिल्लाया। द गॉड केम इन एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड या रक्षक आया और फिर दोनों मिलकर आग को बुझा सके। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह जो घटना थी यह एडिसन की सेवा का, ट्रेन में जो एडिसन सेवा दे रहे थे उसका अंत था, मतलब वहां पे उनको जो काम मिला था वह छिन गया था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटी, अगले 5 सालों तक एडिसन अलग अलग शहरों में जॉब करते रहे। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उन्होंने पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, कारखानों में, और फैक्ट्रीज का अर्थ भी कारखाना ही होता है, थोड़ा बड़ा कारखाना होता है, तो वे कारखानों में निपुण लोगों से मिले, जो कारखाने के स्किल्ड लोग होते हैं, निपुण लोग होते हैं अपने काम में, उनसे मिले। ही आस्क देम क्वेश्चंस, वे उनसे प्रश्न पूछा करते थे। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उन लोगों से बहुत कुछ सीखे। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों पे बहुत कठिन परिश्रम किए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इस दौरान वे थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो गए। आउट ऑफ जॉब का अर्थ होता है बेरोजगार होना, थोड़े समय के लिए वे बेरोजगार भी हो गए। एंड वॉज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ ठहरे हुए थे, मित्र के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, और यह जो नौजवान आदमी था एक कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में
वे लोग एक महत्वपूर्ण मशीन रखते थे। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन अचानक ही मशीन रुक गई, काम करना बंद कर दी। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहां पर थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, उन्होंने मशीन को देखा और थोड़े ही समय में उसे सुधार दिया, उसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, उस कंपनी का जो प्रबंधक था एडिसन को काफ़ी पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उनको एक अच्छा जॉब, एक अच्छी नौकरी दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपने कर्ज को चुकता किया और अपने प्रयोगशाला को और सुधारा। द नेक्स्ट सिक्स ईयर एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले छह सालों तक एडिसन ने प्रयोगों की श्रृंखला कर दी, मतलब बहुत से प्रयोग कर डाले। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक जो खोज होती थी उसके बाद अच्छा दूसरी खोज तुरंत ही कर ली जाती थी। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने काफ़ी नाम और पैसा कमाया, काफ़ी शोहरत और पैसा कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉयस, वर्ष 1877 में वह एक मशीन पे काम कर रहे थे, मतलब एक मशीन बना रहे थे जो आदमी की आवाज को दोबारा सुना सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल उन्होंने इसको बना लिया। इट वॉज देन कॉल्ड ए टॉकिंग मशीन, उस समय इसे एक बात करने वाली मशीन कहा गया। ही वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, हम लोग इसे अब ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उसी वर्ष उन्हें वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यह उस घर का नाम है जहां पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहां पे गए राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इसने उन्हें पूरे अमेरिका में प्रसिद्धि दिला दी। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस, अब वह सफल और खुशहाल थे। प्रॉस्पेरियस का अर्थ होता है खुशहाल, सक्सेसफुल का अर्थ है सफल। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, वह इस सब के लिए अपनी माँ की सहायता और उत्साहित करने के लिए ऋणी थे। उन्होंने जो कुछ किया था उसके लिए उनकी माँ ने जो सहायता की थी, जो उनको उत्साहित किया था, इसके लिए वे अपनी माता के ऋणी थे। और एंड टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम के भी ऋणी थे, मतलब उन्होंने जो कुछ किया था उसमें उनका कठिन परिश्रम, उनकी माँ की सहायता और उत्साहवर्धन शामिल था। ये उत्साहवर्धन बहुत बड़ी चीज होती है, सुनने में लगता है कि मामूली सी बात है, पर यह उत्साह, किसी को उत्साहित करना बहुत बड़ी चीज होती है। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक लैंप, 1878 के मार्च में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक लैंप बनाने की क्रिया या बनाने के लिए प्रयोग शुरू किए। पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैंप इन दोज डे, उन दिनों लोग मोमबत्तियां और तेल के दिए उपयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली का प्रकाश नहीं था।
एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। एडिसन ने लोगों से वादा किया कि वह 2 साल में बिजली से प्रकाश दे देगा। When he said this, all the scientists laughed at him. जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसे। They said that it was impossible. उन लोगों ने कहा कि यह असंभव है। But Edison was not worried at all. लेकिन Edison चिंतित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। He worked harder and harder. उन्होंने कठिन और कठिन परिश्रम किया। He performed 1,000 experiment, but all of them failed. उन्होंने हजार प्रयोग कर डाले, लेकिन सभी प्रयोग असफल रहे। But he did not give up hope. लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people. मुझे अपने लोगों से अपने वादे को पूरा करना है। He said to himself and worked harder still. उन्होंने अपने आप से कहा और कठिन परिश्रम करते रहे। He was racing against time. वह समय के विपरीत दौड़ लगा रहे थे। At last, he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments. और अंततः वह बिजली से जलने वाला बल्ब बनाने में सफल हो गए। और ऐसा करने में उन्हें लगभग 1,200 प्रयोग करने पड़े। वन न्यू ईयर डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। 1880 के नए वर्ष में, मतलब जब वर्ष की शुरुआत हुई, तो वे और उनके जो कर्मचारी थे उन लोगों ने अपने प्रयोगशाला में बिजली के बल्ब को जलाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। अमेरिका में हर तरफ से लोग वहां पे आए उस शानदार दृश्य को देखने के लिए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने अपने वादे को पूरा किया था जो उन्होंने अपने देशवासियों से किया था। ऑन 4th सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क बिजली के बल्ब के प्रकाश में चमक गया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध के दौरान एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम्स इन्वेंशन एंड वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने 40 आविष्कार किए जिनका प्रयोग युद्ध के समय में किया जाता है, और इसके लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें इनाम दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। 1929 में बिजली बल्ब के आविष्कार का एक शानदार समारोह किया गया, सिल्वर जुबली समारोह किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑर्डर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की और उनका सम्मान किया उस समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन ने खड़ा होकर राष्ट्रपति का धन्यवाद, एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए एडिसन खड़े हुए उस समारोह में, लेकिन अचानक ही वे बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18th अक्टूबर 1931।
और उनकी यह बीमारी खराब होती गई, मतलब और ज़्यादा बीमार होते चले गए। और एक रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। और इस तरह से एक महान जीवन का, एक महान व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ जिन्होंने मानवता के लिए या मानव जीवन के लिए और मानव जीवन में खुशियों के लिए बहुत कुछ किया या मानव जीवन की खुशियों को बढ़ाया। इनरिच द ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिन्होंने मानव जीवन की हैप्पीनेस को, प्रसन्नता को बढ़ाया। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं अब कभी कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट कर दे। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना, खुश बनाना, खुशहाल बनाना चाहता हूँ, प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह जो संसार है बहुत समय से अंधेरे में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं इस संसार को बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा प्रकाश देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपनी बात रखी। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, उनका जो ग्रामोफोन था वह हमें खुशियाँ दिया, वह हमारे मनोरंजन का साधन बना, और बिजली का बल्ब हमें काफ़ी प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, सभी लड़के लड़कियों को उनका इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। अर्थ है कि जो लड़के लड़कियां आज पढ़ रहे हैं, कम उम्र के हैं, उन्हें जिज्ञासु होना चाहिए और प्रयोग करने की आदत डालनी चाहिए, जानने समझने की आदत विकसित करनी चाहिए, ज्ञान की गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए और जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए, जैसे कि धन वगैरह की जो मुश्किलें आती हैं उसके लिए कार्य करें, धन जुटाएं और जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ाते चलें। ज्ञान अर्जित करेंगे तो ज्ञान से कुछ देके ही जाएंगे, जैसा कि संसार को और हमारे देश को इसकी आवश्यकता है।